नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। अगर वीडियो देख रहे तब आप अच्छे ही होंगे, वरना वीडियो क्यों देखते हैं। तो अभी हमारे साथ है हमारे हैंडसम बॉय गौरव भाई, और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं अपने दोस्तों का जो कि है गोहर से आ रहे हैं जो भी। तो हम लोग कल जाने वाले हैं मणिकरण के लिए यहाँ से, और आज हम रुकेंगे हमारे एक बहुत ही अच्छे मित्र हितेश के क्वार्टर में, जो कि सरकारी क्वार्टर है, इसलिए हम यहाँ पे रुकने वाले हैं। और अभी वो आएंगे तो आपको दिखाता हूँ जब वो आएंगे। बहुत लेट हो चुके हैं तो हम सुबह से वेट कर लें। तो वहाँ से निकल के हम जाते हैं तीन पीपल की तरफ मोमो खाने पर, जहाँ गौरव वैसे मायूस सा बैठा हुआ देख रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, और ये देख ही रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे चटनी डालता हुआ, लाजवाब सी चटनी मेरे मुंह में आ रहा था, बहुत पानी। और गौरव ने कहा कि मेरे में भी डाल दे, क्योंकि मैंने कैमरा पकड़ा है तो मैंने उसके उसमें भी डाला, पर मेरा मन बिल्कुल नहीं था। और ये देखिए गौरव का रिएक्शन, ये देखिए कितने प्यार से मुंह उठा के अपने मुंह के नीचे इसने दबा कर मोच लिया। और ये मेरे फोकस्ड मोमोज प्लेट वाले, ये देखिए गौरव की कलाकारी। तो ये ओह, ये मेरी कलाकारी, इसको इग्नोर करो। हम ऐसे चिंदी चोरों की तरह खाते हैं, तो जब कैमरा हमारी तरफ होता था हम ऐसे नज़रें साइड कर लेते हैं। ये देखिए पूरा प्लेट साफ करके तिनका भी ना छोड़कर। तो अब बारी थी मोमो के पैसे देने की, और ये मैंने पे कर दिए यहाँ पे पैसे। और मुझे सूप पीने की इतनी जल्दी थी कि मुझसे रहा नहीं गया, और मैंने रबड़ी में उठा ही दिया सूप और गुप्ते से एक सिप करके पी लिया। और उसने देख लिया मुझे, और मैंने ऐसे रिएक्ट किया कि उसने मुझे नहीं देखा, और मैंने चुपचाप पर्स में डाल दिए पैसे, किसी को भी नहीं लगा मालूम। और ये फिर से उठाकर चल, और ये मैंने कहा यहाँ पे गौरव को वीडियो बनाने के लिए। और मैं वहाँ से आते हुए ये सस्ती एंट्री, और ये चलते हुए दो कदम, और ये सलमान भाई एक वाले ये। और अब जाऊंगा मैं फुटपाथ पे और कर दूंगा लोगों का सफाया। तो अभी ये सूप पी के हम करने वाले हैं अपने दोस्तों को कॉल कि कहाँ पहुँचे वो। अभी हम कॉल करते हैं हितेश को। तो यहाँ पर मेरी बेइज्जती करने के कुछ देर बाद आता है हितेश का कॉल। हेलो, तूने बेइज्जती कर दी मेरी यार। मैं व्लॉग शूट कर रहा था, तूने बोल दिया 10 मिनट बाद कर, मैंने यहाँ पे शूटिंग स्टार्ट रखी थी, उसमें कुछ मेरे को नहीं दिया 10 मिनट। अच्छा, बिठा दिया वो। कितना टाइम लगेगा तुम लोगों को? अभी तो गोर पहुंचे ना, पता नहीं है गोर में रुकती है या आधा घंटा रुकती है मेरे ख्याल से। पता नहीं, मुझे श्योर नहीं है, पर मेरे को लगता है सर 3 बजे पहुंचना है। तब तो हो सकता है सर। चला, तेरे को कितना टाइम लगेगा? टेलीपोर्ट होगा तू? कम टाइम लगेगा मेरे को। अच्छा, ठीक है। अभी मैं बस आगे निकल गया हूँ ना, अभी मैंने बैग लेना है कुछ। चल आजा, ठीक है, ओके। ओके, मन गया, ठीक है। ये भी व्लॉग में आने के लिए फुटेज खा रहा था, आप रोक सकते हैं अभी इसको। तो हितेश की कॉल के बाद हम निकलते हैं। चल, तो अभी मुझे याद आया कि मेरे भाई का +2 का सर्टिफिकेट ऊपर स्कूल में है, तो मैंने अपने एक मित्र को फ़ोन किया जो कि वहाँ का वुड भी चेयरमैन होने वाले हैं। तो मैंने उनसे कहा कि प्लीज़ आप मुझे उसका सर्टिफिकेट दें। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने स्कूल, जो मेरे जहाँ से मैं पास आउट हुआ हूँ,
भगवान की कृपा से। तो अभी हम वहाँ जाते हैं और मिलते साजन से। ठीक, अभी हम लोग पहुँच चुके हैं अपने स्कूल, जो कि वहाँ पे साजन मेरा वेट कर रहा है। देख कैमरा दिखा वहाँ पे, और कौन रहा साजन, और इससे लाऊंगा मैं अभी अगर तो अभी हम जाते हैं ऑफिस के अंदर और करता हूँ मैं साइन। आइए देखते हैं। और ये मेरे भाई के जो सर्टिफिकेट है वो मैं लेता हूँ, और ये हमारे यहाँ ये जगह है जहाँ पे हमने बहुत सी मार खाई है, यहाँ पे चेयरमैन सर होते थे और यहाँ पे हम उनके बने होते थे। अच्छा भाई, ये क्या लाया बनाने ऊपर? स्कूल खुलेगा तो फिर कैपेसिटी बढ़ानी पड़नी ना, दूर दूर बैठने बच्चे। तो आप देख रहे हैं ये हमारा स्कूल जहाँ हमने अपना बचपन गुजारा है। सेवंथ क्लास से हम वहाँ पढ़े। फिर नीचे स्टेज ही रहेगा? और वो हमारा स्टेज स्टेज था। अच्छा, अब वहाँ पे काम चला है, बहुत कुछ बदल गया है। मेरे बोलने का टोन भी देख रहे हैं आप, कैमरे के साथ बदलना पड़ता है। नीचे दीवार भी तोड़नी, गेट वगैरह। घर मेरी तरफ करना। अच्छा, वहाँ पे मैं न्यूज पढ़ता था, मैंने कभी प्लेज नहीं बोली। ड्रम बजाते थे ड्रम बजाते थे मैं और मेरे कुछ चंद दोस्त जो मतलब कुछ नहीं करते थे, तो हम लोग ड्रम बजाते थे। तनुज तनुज बम्पू वाले हम लोग ड्रम बजाते थे। ये मैं फाइन चढ़ाऊंगा आप लोगों को। ये सरकारी है, सरकार को बोलो चेयरमैन सर। ओ गया वो तो पुंडो कोई ना कौन गाड़ी जो पड़ती हो तो नहीं 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 बबीता मैडम थे तब तो काफी उम्र होगी ना तुमसे। ठीक है, मैं भी निकलता हूँ। मेरे को डीजी दिया जी, आई नीड कंटेंट्स को देखना, सब्सक्राइब करना और ये रखना, ये रखना। एक कॉमेडी स्किट्स होती है, वीडियो चलनी चाहिए कैमरे में, देखते रहते वीडियो तेरी। वो मैंने देखा, मैंने मतलब ऐसे एक देखता है फिर सुबह 30 फिर एक मिनट की वीडियो होती है। मैं पूछ रहा भाई, सूच मैम मेरी आवाज आ जाएगी? कुछ नहीं बोल। अच्छा, सब कुछ भाई ग्रुप है, बोल। तो यहाँ पे हमारे गौरव भाई बोलो। नहीं हो रहा, मैं जब अरे बदल गया यार, एक बिल्डिंग और चढ़ गई ना पहले। नहीं अबे दो मंजिल का थी, नहीं जब हम थे ना उस टाइम ये टॉप वाली थी, उस टाइम थी। अरे उस टाइम खाली थी, अब यहाँ फूल फूल छत तो पड़ी हुई थी। मतलब लास्ट पड़े हम यहाँ पे जहाँ शीशा है वहाँ तक पड़े लास्ट, हम उसके ऊपर वाली बिल्डिंग देखी हमने। कहाँ ये पुरानी यादों को ताजा करते हुए हमारे साथ बहुत सारी गालियाँ सुनी है यहाँ पे, पर उन गालियों का भी मजा था। एक जो डांट थी, गालियां तो नहीं थी जो डांट थी उनका भी एक मजा था। आज हम मिस करते हैं भाई, आज लगता है कि क्या था यार मजा आता था। यहाँ से भागे हम कई बार, पता पीछे से भाई हम लास्ट में, तुम नहीं थे उस टाइम, प्लस टू में थे हम, तुम आते बोलो। तुम्हारा तो क्या घर की बात थी, चेयरमैन सर अपने थे, हमारे को डंडे पड़ते थे पर कभी पकड़ा नहीं। चलिए तो निकलते हैं, और ये हमारे साजन भाई से एक बार फिर से हाथ मिला लेते हैं। व्लॉग देखना, अब आपको भी डाला है ना, चार पांच व्लॉग होने चाहिए। तो अभी हम अपने स्कूल से वापस आते हैं, बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। साजन उनसे सीनियर था, पर अपने में कभी सीनियर और जूनियर रहा ही नहीं, हम रिस्पेक्ट करते थे एक दूसरे की जो भी हमारे सीनियर्स थे। पर मतलब बहुत दोस्ताना अपना रिश्ता था, रिलेशन था। तो अब अच्छा लगता है कि
कितना अच्छा टाइम हमने स्पेंड किया स्कूल में, बहुत डांट सुनी और कुछ। चलो ये भी टाइम है जो निकल चुका है, गौरव भी हमारे साथ होता था, गौरव अभी कैमरा पकड़ के बता रहा था किससे कुछ कि हम कैसे मोमो खाने के लिए बाहर के निकलते थे। तो अभी हम निकल चुके हैं वहाँ से पुरानी यादों को ताज़ा करके, और अब हम वेट करेंगे अपने बाकी मित्रगणों का। अभी हम लोग ये लोग आ चुके हैं, ये हितेश हमारे बाइकर और गौरव तो पहले से था, और ये डाल रहे हैं सामान पीछे। क्या तो अभी हम लोग बैठ चुके हैं गाड़ी में, और ये मातुल और पीछे प्रवीण और बाहर हितेश। अब हम जा रहे हैं हितेश की क्वार्टर की साइट और मिलते हैं कुछ देर बाद। अभी हम लोग रूम में पहुंच चुके हैं, और ये हमारे शिलाजीत खाने वाले भाई, ये बहुत सी शिलाजीत खाते हैं, और यहाँ पे प्रवीण बैठा है और पीछे मातुल भाई भाई, और यहाँ पे हमारे गौरव भाई। और अब हम लोग कर रहे हैं चेंज, हितेश नहीं करता चेंज, और बाकी का बाद में। तो अभी हम लोग अपना डिनर करते हुए देखे, मैंने मजाक चल रहा है, और ये हैकरमैन भाई अपना मुंह नहीं दिखा रहे, और ये हम थोड़ा थोड़ा सा यहाँ से खा कर खा रहे हूँ। हितेश को खाने में दिक्कत हो रही है, आप देख सकते हैं इसने लगाया अपने दांत में, दिखा वाला दांत में इसने वो लगाई, क्या बोलते हैं, ब्रेसेस लगाई हैं, तो इस वजह से इसको खाना मुश्किल हो रहा है, पर ये राक्षसों की तरह खाता है। तो यहाँ पर हम खाने का शो ऑफ करते हैं। और अभी हम आनंद लेते हुए, और ये मुझे गदा खेलते हुए पत्ते हाथ को आ गए, क्या फेंका? ओ नहीं नहीं चले, अच्छा ना फेंको, अभी भी तो है वो पत्ते मेरे, क्या ठीक है, की बात है। तो अभी मैं फेंक लेता हूँ पत्ते, बाकी का बाद में। तो अभी हम लोग सोने की तैयारी में, और बाकी मैं आपको दिखाऊंगा कल के व्लॉग में। कल हम जा रहे हैं मणिकरण, हम सब लोग, ये जो अभी पबजी खेलने में बिजी है सब लोग, और ये हमारे डीजे वाले बाबू, तब तक के लिए बाय, और मिलते हैं कल।